वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आंदोलनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई झड़प में दिल्ली पुलिस के 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में दी है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो दिल्ली के लाल किला का है, इसमें किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर केसरिया झंडा फहरा दिया, जिसकी वजह से देश भर में किसानों की आलोचना हो रही है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, सुनिए। क्या हो यागल बवाल, बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहाँ पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे, वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज़्यादातर ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहाँ पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया, वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहाँ से फिर घूम कर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहाँ पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया उनको, वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोगों। सर पुलिस कह रही है कि किसानों की तरफ से कल जो उत्पात मचाया गया है वो सही नहीं है। देखो जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई, जो दीप संधु है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा, जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। बता दें कि पंजाबी एक्टर दीप संधू 17वीं सदी के स्मारक लाल किला पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप संधू को अब NIA ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस SFJ मामले में भेजा गया है। सिंधु ने लाल किला की प्राचीर पर पताका को हुज शूटिंग करते हुए फेसबुक लाइव किया था। वीडियो में सिंधु ने पंजाबी में कहा था, हमने विरोध जताने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किला पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। गुरदासपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के करीबी माने जाने वाले संधू 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता के लिए चुनाव प्रभारी थे। पिछले साल दिसंबर में देओल ने सिंधु से दूरी बना ली थी, यहां तक कि किसान यूनियनों ने भी पिछले साल सिंधु पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले हफ्ते NIA ने सिंधु को सिख फॉर जस्टिस SFJ मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए समन भेजा था, जो पिछले साल 15 दिसंबर को दर्ज किया गया था। तो ये थी लाल किले पर फहराए गए केसरिया पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।